दुष्कर्म और अपहरण के मामलों का सामना कर रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे को क्लीन चिट देने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल कटारे पर जिस युवती ने दुष्कर्म और अपहरण की शिकायत की थी, कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में उसने खुदकुशी कर ली है। भोपाल में दर्ज मामलों की अब तक की जांच में पुलिस को कटारे के खिलाफ ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिसके आधार पर अपराध साबित होता हो। कटारे की शिकायत पर छात्रा के खिलाफ जो मामला दर्ज था उसे भी खारिज करने की तैयारी हो गई है। वजह यह है कि इस मामले में आरोपी छात्रा अब जीवित ही नहीं है, ऐसे में उसके खिलाफ किस आधार पर चालान पेश किया जाएगा। हालांकि कटारे के खिलाफ छात्रा ने दुष्कर्म का जो मामला दर्ज कराया था उसमें विवेचना अभी चल रही है। इस मामले में कटारे को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। कटारे पर दुष्कर्म और अपहरण सहित इससे जुड़े तीन मामलों के लिए राजधानी पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया था। एसपी स्तर के अधिकारी को इस एसआईटी का प्रमुख बनाया गया था। इसी टीम ने कटारे से जुड़े तीनों मामलों की जांच कर रिपोर्ट को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कटारे पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा ने अपने मंगेतर की दहेज की मांग से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड नोट में उसने अपने होने वाले पति के परिजनों पर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट में भोपाल में दर्ज आपराधिक मामलों या इससे जुड़े आरोपियों का कोई जिक्र नहीं है। तीन अपराध, कटारे की शिकायत होगी खारिज, अपहरण के केस में लगेगा खात्मा, रेप केस यथावत। क्राइम ब्रांच, अपराध क्रमांक 0518, धारा 384, 388, 120 बी, फरियादी हेमंत कटारे। आरोपी युवती ने विक्रमजीत सिंह व अन्य के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग कर जबरिया वसूली की कोशिश की। आरोपी विक्रमजीत सिंह व अन्य, करंट स्टेटस। इस मामले में पुलिस को जो भी तथ्य मिले उनका आरोपी युवती की मौत के बाद कोई महत्व नहीं रह गया है, ऐसे में इस केस को खारिज करने की तैयारी पूरी हो गई है। स्टेशन बजरिया, अपराध क्रमांक 2718, धारा 365, 384, 386, 506, 34, 120 बी, फरियादी गीता सिंह, राजेंद्र नगर। आरोपी हेमंत कटारे व अन्य तीन साथी, आरोप कटारे व उसके साथियों पर अगवा किए जाने के आरोप थे। करंट स्टेटस, अपहरण और ब्लैकमेलिंग से जुड़े इस मामले में भी खात्मा लगाने पर सहमति बन गई है, हालांकि अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। महिला थाना, अपराध क्रमांक 3518, धारा 342, 376, 1, 376, 2, 506, फरियादी जर्नलिज्म की छात्रा। आरोपी हेमंत कटारे, करंट स्टेटस, मामले की विवेचना चल रही है। इस मामले में शुरुआती तथ्य भी मिल चुके हैं, हालांकि अभी इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। पुलिस को इस मामले में कानूनी जानकारों से विमर्श करने की जरूरत पड़ सकती है।